हेलो फ्रेंड्स, मैं संजू। आज मैं आपके लिए जैकेट बनाकर लाई हूँ जो आपसे शेयर करूँगी। तो देखिए, ये मैं जैकेट येलो और ग्रे कलर में मैं बनाई हूँ और इसकी साइज जो है 3 से 4 ईयर्स के बच्चे के लिए मैं बनाई हूँ। 3 से 4 ईयर्स के बच्चे के लिए बहुत ही अच्छी साइज आएगी। तो इसकी मैं आपको मेजरमेंट करके दिखाती हूँ। इसकी लंबाई जो है देखिए लगभग 16 इंचिस है और इसकी चौड़ाई जो है देखिए 11 इंच। तो आप जब भी जैकेट बनाना स्टार्ट करेंगी तो सबसे पहले तो आप ये जो है चेस्ट आप मेजरमेंट करेंगी और चेस्ट के अकॉर्डिंग चेन बनाएंगी, या फिर कमर भी मेजरमेंट करके आप चेन बना सकती हैं। कमर है चेस्ट, देखिए यहाँ से भी ये बॉर्डर बनाई हुई, इसलिए थोड़ी सी ये सिंगल क्रोशे बॉर्डर है तो कसत बनी हुई है। इसी 10 इंच आ रही है और देखिए येलो कलर का है जो 11 इंच है। तो चेन आप जब भी बनाना स्टार्ट करेंगी तो कमर चेस्ट का मेजरमेंट करके ही आप बना स्टार्ट करेंगी, तो आपका साइज बहुत ही अच्छी बनेगी और लंबाई आपका जितनी रखनी है उसको आप अपने अकॉर्डिंग रख सकती हैं। तो चलिए देखिए फ्रेंड्स, ये मैं जैकेट बनाना स्टार्ट करती हूँ। जैकेट देखिए किस तरह से बनती है। ये टेडी बियर मैं अलग से मैं बना के इसमें स्टिच की हूँ। ये सिंपल जैकेट मैं बनाऊंगी पहले। तो ये देखिए इसे स्टार्ट करती हूँ, इसको पहले मैं साइड कर लूँगी। तो इसके लिए मैं देखिए येलो कलर का मैं ऊन ली हूँ और 2.5 mm की मैं क्रोशिया यूज कर रही हूँ। देखिए यहाँ पे लिखी हुई मिट गई है, 2.5 mm की एक क्रोशिया है। तो पहले मैं देखिए इस तरह से गांठ लगा लूँगी। गांठ लगाने के बाद देखिए इस तरह से चेन बनाऊंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो देखिए चेन में नहीं ज़्यादा कसत बनाऊंगी और नहीं ज़्यादा लूज, देखिए नॉर्मल चेन इस तरह से बना लूंगी। तो सेम इसी तरह से मैं पूरे इसमें 112 चेन में बनाकर कंप्लीट करूंगी, देखिए इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैं 112 चेन में बनाकर कंप्लीट कर ली हूँ, देखिए इस तरह से। नहीं ज़्यादा मैं कसत चेन बनाई हूँ और नहीं ज़्यादा लूज। तो ये पहले मैं चेन को मेजरमेंट कर लूँगी, जैसे कि देखिए ये इंची टेप मैं इस तरह से रखूंगी और मैं 22 इंच में बनाऊंगी। देखिए इस तरह से 22 इंच में, देखिए 22 इंच चेन की लंबाई है। इसी तरह से आप मेजरमेंट करके बनाएंगी। अगर आपको इसे बड़ी बनानी है, छोटी बनानी है, आप इसी तरह से मेजरमेंट करके बनाएंगी। जैसे कि ये चेस्ट की चौड़ाई है 22 इंच, इस तरह से बनाए। अगर हाफ करूँगी तो 11 इंच आएगी इस तरह से। तो इस तरह से गोलाई आप मेजरमेंट करने के बाद इसी तरह से चेन बनाकर आप ज़रूर मेजरमेंट कीजिएगा। और मेजरमेंट करने से आपका साइज बहुत ही अच्छी बनेगी। जैसे कि 26 इंच है आपके चेस्ट की चौड़ाई, तो इस तरह से 26 इंच ये चेन की लंबाई में रखूंगी। इस तरह से बनाते हुए चेन 26 इंच तक मैं इसकी लंबाई कंप्लीट कर लेंगी। और एक चीज और, जैसे कि चेन को टाइट करके नहीं मेजरमेंट करनी है, नॉर्मल जैसे कि मैं इस तरह से रख के मेजरमेंट करूंगी, टाइट करके नहीं करनी है। देखिए इस तरह से, जैसे कि देखिए ये जैकेट है, ये जैकेट बीच में देखिए इस तरह से लूज है, स्ट्रेचेबल होती है वो। और ये जब मैं बॉर्डर बना दी हूँ ग्रे कलर से, तो ये देखिए टाइट बनी हुई है, तो इससे आपका फैलेगी नहीं। बट आप चेन नॉर्मल ही रखेंगे, टाइट करके मेजरमेंट मत कीजिएगा। तो इस तरह से साइज है बड़ा छोटा बना सकती हैं। और लंबाई आपको जितनी रखनी है बच्चे की लंबाई के अकॉर्डिंग, आप लंबाई जितनी है उसके अकॉर्डिंग आप बना लेंगी। तो इस तरह से साइज छोटी बड़ी बना लेंगी आप। इसके बाद देखिए मैं यहाँ पे ये
इसके बाद देखिए यहाँ पे मैं 1 2 2 चैन छोड़कर 3 चैन में क्रोशिया डालूंगी और इस तरह से डबल क्रोशिया में बना लूंगी। देखिए इस तरह से सारे चैन में इस तरह से डबल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए इस तरह से तो सेम इसी तरह से सारे चेन में डबल क्रोशिया बनाते हुए मैं कंप्लीट कर लूंगी। इसके बाद आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स सारे चेन में डबल क्रोशिया बनाते हुए मैं कंप्लीट कर ली हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ से मैं पलट लूंगी और 3 चेन बनाऊंगी। 1 2 3 3 चेन बनाने के बाद देखिए यहाँ फर्स्ट चेन में क्रोशिया डालूंगी और इस तरह से डबल क्रोशिया बनाऊंगी। सेकेंड चेन में क्रोशिया डालूंगी, डबल क्रोशिया बनाऊंगी। थर्ड चेन में क्रोशिया डालूंगी, डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो देखिए इस तरह से बन रही है। सेम इसी तरह से बनाते हुए सारे चेन में 1 डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट कर लूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से पैटर्न बन रही है। इसी तरह से मैं बनाते हुए मैं पूरी 10 इंची में पूरी कंप्लीट कर लूंगी। हर रो में इसी तरह से डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट कर लूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स मैं पूरी 10 इंच में कंप्लीट कर ली हूँ। देखिए इसकी ये जो लंबाई है ये मैं पूरी 10 इंच में बना ली हूँ। आपको मैं मेजरमेंट करके आपको दिखाती हूँ। देखिए 10 इंच पूरी कंप्लीट है। इसके बाद मैं गले और बाजू का शेप मैं बनाऊंगी। गले और बाजू का शेप बनाने के लिए मैं देखिए इस तरह से पहले मैं फोल्ड करूंगी। फोल्ड करके दोनों साइड से बराबर करूंगी और बराबर करने के बाद में देखिए यहाँ पे मैं पिन लगा ली हूँ मार्क। जैसे कि मैं स्टार्टिंग में इसमें 110 चेन में बनाई थी तो 55 और 55 दोनों साइड में आधा आधा में कर ली हूँ। देखिए इस तरह से। इसके बाद जो है इस तरह से दोनों साइड इधर देखिए लेफ्ट और राइट दोनों साइड में इधर आधा आधा में बांट लूंगी। जैसे कि आप डबल क्रोशिया है बनी हुई इसे भी आप काउंट कर सकती हैं या फिर इस तरह से बराबर करके भी आप इसे हाफ हाफ कर लेंगे। तो इस साइड में 55 चेन थी, 55 डबल क्रोशिया। एक साइड में इस साइड में 28 डबल क्रोशिया रखूंगी और दूसरी साइड में 27 डबल क्रोशिया रखूंगी। ये पूरी 55 डबल क्रोशिया हो जाएगी। तो पहले मैं देखिए इस तरह से यहाँ से मैं यहाँ तक डबल क्रोशिया बना लूंगी। देखिए किस तरह से बनाती हूँ मैं। देखिए जहां तक मैं मार्क लगाई हूँ वहां से 4 चेन छोड़कर मैं वहां तक कंप्लीट कर लूंगी डबल क्रोशिया। देखिए यहाँ पे मैं मार्क लगाई हूँ तो यहाँ से 1 2 3 4 4 चेन में छोड़ दी हूँ। इसके वापस मैं इस तरह से घुमा लूंगी और वापस घुमाते हुए यहाँ पे मैं 2 चेन बनाऊंगी। इसके बाद देखिए यहाँ पर इसकी नेक्स्ट वाले चेन में इस तरह से डबल क्रोशिया बनाऊंगी और इसके बाद देखिए इसके नेक्स्ट वाले चेन में इस तरह से डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो डबल क्रोशी में पूरा नहीं बनाई हूँ, जैसे कि हाफ डबल क्रोशी बनाते हैं सेम उस तरह से मैं निकाल ली हूँ। इसके बाद देखिए क्रोशी पर 3 चैन है, एक साथ में निकाल लूंगी। तो यहाँ पे भी मैं 1 डबल क्रोशी में घटा ली हूँ। तो देखिए इस तरह से आएगी। इसके बाद देखिए इस तरह से यहाँ से मैं सारे चेन में डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट कर लूंगी। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैं डबल क्रोशिया बनाते हुए वापस मैं यहाँ पे लाई हूँ।
यहाँ पर देखिए 4 डबल चेन यहाँ पे मैं घटाई थी एक बार में, इसके बाद 1 चेन में यहाँ पर घटाई थी 1 डबल क्रोशिया। इसके बाद अब मैं नहीं घटाऊंगी, मैं पूरी एक साइड से 5 डबल क्रोशिया में घटा ली हूँ, दूसरी साइड से भी 5 डबल क्रोशिया घटेगी, तो 18 चेन यहाँ पे घट जाएगी आर्म होल के लिए। इसके बाद वापस मैं यहाँ से डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक कंप्लीट करूँगी, और यहाँ से करीब मैं 3 इंच में लंबाई में कंप्लीट कर लूँगी, 3 से 3.5 इंच। इसके बाद मैं गले का यहाँ पे शेप बनाऊंगी। देखिए इस तरह से मैं कंप्लीट कर रही हूँ डबल क्रोशिया बनाते हुए, इसी तरह से मैं पूरी यहाँ से 3 इंच में कंप्लीट करके डबल क्रोशिया, इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स मैं पूरी 3 इंच में कंप्लीट कर ली हूँ, इसको मैं देखिए मेजरमेंट करके आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ से पूरी ये 3 इंच है, और इस रो से देखिए मैं यहाँ पे गले का शेप निकालूंगी, देखिए इस तरह से। इसके बाद देखिए गला का शेप में देखिए यहाँ पर देखिए 3 चेन है, 3 डबल क्रोशिया 1 2 3, ये 3 डबल क्रोशिया इसी तरह से मैं छोड़ दूंगी और यहाँ से वापस मैं घुमा लूंगी। और इसके बाद देखिए यहाँ पे 3 चेन में इस तरह से स्लिप स्टिच बनाते हुए निकालूंगी, 1 2, देखिए इस तरह से 2 चेन में स्लिप स्टिच बनाते हुए निकाल ली हूँ, और 3 चेन में यहाँ से 3 चेन बनाऊंगी, देखिए इस तरह से, जिससे कि यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया छोड़ दूंगी, और यहाँ से मैं इस तरह से सारे चेन में डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट कर लूंगी, देखिए इस तरह से, जैसे कि यहाँ पे मैं 3 डबल क्रोशिया में छोड़ी हूँ, इसकी नेक्स्ट रो में 2 डबल क्रोशिया में छोड़ी हूँ, इस तरह से राउंड गले का शेप में बनाऊंगी। देखिए इस तरह से बन रहे थे, इसी तरह से यहाँ तक मैं कंप्लीट करूंगी, वापस फिर बनाते हुए यहाँ पे ले आऊंगी। यहाँ तक कंप्लीट करके इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ पे वापस मैं लाई हूँ, तो देखिए लास्ट ये 2 डबल क्रोशिया है, इसको मैं छोड़ दूंगी और यहाँ से मैं घुमा लूंगी। अब मैं चैन नहीं घटाऊंगी डबल क्रोशिया, इस तरह से पहले यहाँ पर मैं 3 चेन बना लूंगी, इसके बाद नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया बनाऊंगी, इसकी नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया बनाऊंगी, देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए 2 4 6 8 10 12 14 ये 14 डबल क्रोशिया यहाँ पे बची हुई है, तो ये शोल्डर बनेगी, 14 डबल क्रोशिया में शोल्डर पे रखूंगी। इसी तरह से 2 रो में डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट कर लूंगी, जैसे कि मैं रो बना रही हूँ 1 रो और मैं कंप्लीट करूंगी। देखिए फ्रेंड्स मैं 2 रो में कंप्लीट कर ली हूँ, देखिए इस तरह से गले का ये शेप बन गई है और ये बाजू का शेप बनी है, देखिए इस तरह से मैं दिखा रही हूँ, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी, देखिए इस तरह से आएगी। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैं कंप्लीट कर ली हूँ, देखिए इस तरह से आर्म होल बन गई है यहाँ पे, और एक गले का मैं शेप निकाल ली हूँ। इसके बाद सेम इसी तरह से दूसरी साइड से बनाऊंगी, यहाँ पे भी सेम उसी तरह से बनेगी। तो देखिए यहाँ पे मैं उनको मैं ज्वाइंट करूंगी, और 3 चेन बना लूंगी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट चेन में क्रोशिया डालूंगी, डबल क्रोशिया बनाऊंगी,
इसकी नेक्स्ट चेन में क्रोशिया डालूंगी, डबल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए इस तरह से, तो यहाँ पे लास्ट का 4 डबल क्रोशिया छोड़कर बाकी चेन में डबल क्रोशिया बना लूंगी। जैसे कि ये मैं आर्म होल घटाई हूँ एक साइड से, उसी तरह से दूसरी साइड से भी घटेगी। तो सेम इसी तरह से बना कर इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं दोनों पार्ट में बना ली हूँ, राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों में कंप्लीट कर ली हूँ। तो देखिए इस तरह से गले का शेप बन गई है राउंड, और ये देखिए बाजू का शेप इस तरह से बन गई है आर्म होल। और इसके बाद देखिए बैक साइड में बना रही हूँ। तो बैक साइड से देखिए मैं, जैसे कि फ्रंट साइड वाला पार्ट में बाजू में मैं घटाई थी, सेम उसी तरह से इसमें भी मैं घटा ली हूँ। देखिए इस तरह से। इसके बाद यहाँ पे मैं सिर्फ डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक कंप्लीट करूंगी, इतनी लंबाई इस शोल्डर को मैं दोनों ज्वाइंट करूंगी। इसमें मैं फंदे नहीं घटाऊंगी, एक भी डबल क्रोशिया नहीं घटाऊंगी, सिर्फ डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक मैं कंप्लीट कर लूंगी। बैक साइड की गला जो है पूरी बराबर रहेगी। इसे मैं कॉलर में बनाऊंगी, तो कॉलर के लिए थोड़ी सी ये बराबर ही होती है। तो इस तरह से कंप्लीट करके इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। सिर्फ डबल क्रोशिया बनानी है बैक साइड से। देखिए खोल कर मैं दिखा रही हूँ इस तरह से, इसको ओपन करूंगी तो देखिए इस तरह से बनेगी। देखिए ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, और ये बैक साइड की पार्ट है। तो इसी तरह से बनाते हुए कंप्लीट कर लूंगी, सिर्फ डबल क्रोशिया बनाते हुए इसे। देखिए फ्रेंड्स, बैक साइड का भी पार्ट में पूरी कंप्लीट कर ली हूँ। और ये देखिए धागे को मैं थोड़ी सी लंबी कर कर कट करूंगी, जिससे कि मैं स्टिच करूंगी। देखिए इस तरह से मैं पूरी कंप्लीट कर ली हूँ। यहाँ पे इस तरह से मैं स्टिच कर लूंगी दोनों साइड बराबर करके। देखिए इस तरह से आएगी, यहाँ पे दोनों साइड से मैं सुई से स्टिच कर लूंगी। आप चाहे तो क्रोशिया से भी स्टिच कर सकती हैं। ये बैक साइड है, देखिए इस तरह से दोनों साइड के चेन में, देखिए जो चेन जो दिख रही है इसमें सुई में डालूंगी, और इस तरह से दोनों साइड से चेन को मिलाते हुए इस तरह से स्टिच कर लूंगी। देखिए इस तरह से फिनिशिंग हो गई है। सेम इसी तरह से दूसरी साइड से भी मैं स्टिच कर लूंगी, दोनों साइड से चेन मिलाते हुए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं दोनों साइड में शोल्डर इस तरह से ज्वाइंट कर ली हूँ। तो देखिए गले इस तरह से शेप बन गई है। इसके बाद में देखिए यहाँ पे मैं बॉर्डर बनाऊंगी। ये बटन लगा सकती हैं यहाँ पे, या चेन भी लगा सकती हैं बटन पेटी में। तो यहाँ पे मैं बॉर्डर बनाऊंगी। तो देखिए यहाँ से मैं क्रोशिया डालूंगी, जैसे कि ये 3 डबल क्रोशिया में छोड़ी हूँ, यहाँ पे मैं क्रोशिया डालूंगी। और इस तरह से देखिए उनको मैं ज्वाइंट कर लूंगी यहाँ पे। इसके बाद देखिए इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए इस तरह से, जैसे कि डबल क्रोशिया है तो इसके बीच में यहाँ पे क्रोशिया डालूंगी, सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। इसके बाद देखिए यहाँ ज्वाइंट के पास सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए इस तरह से, जैसे कि ये डबल क्रोशिया की लंबाई है, इसमें मैं 2 सिंगल क्रोशिया बना रही हूँ। हर डबल क्रोशिया की लंबाई में 2 सिंगल क्रोशिया इस तरह से बनाते हुए कंप्लीट करूंगी। देखिए इस तरह से बन रही है। ये डार्क ग्रे कलर में ओनली हूँ, तो इसी तरह से बनाते हुए यहाँ तक मैं कंप्लीट कर लूंगी सिंगल क्रोशिया बनाते हुए।
देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से मैं यहाँ तक पूरी कंप्लीट कर ली हूँ एक साइड सिंगल क्रोशिया बनाते हुए। इसके बाद देखिए यहाँ कॉर्नर पे मैं वन सिंगल क्रोशिया यहाँ पे बनाई हूँ। इसके बाद वन चेन बनाऊंगी और दोबारा सेम इसी जगह पे क्रोशिया डालूंगी और सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए इस तरह से, जिसे कि अच्छे से एक कॉर्नर इस तरह से मुड़ेगी। इसके बाद देखिए इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी इसकी नेक्स्ट चेन में। देखिए ये चेन जो दिख रही है, सारा चेन, ये सारे चेन में वन सिंगल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट करूंगी मैं। देखिए इस तरह से बन रही है, देखिए बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आई है कॉर्नर पे। देखिए इस तरह से, इसी तरह से बनाते हुए मैं सिंगल क्रोशिया पूरे नीचे में पूरी कंप्लीट कर लूंगी और सेम इसी तरह से बनाते हुए दूसरी साइड से भी यहाँ तक कंप्लीट कर लूंगी। सिंगल क्रोशिया में यहाँ पे थ्री रो में पूरी कंप्लीट करूंगी। जैसे कि ये मैं बनाई हूँ ना, सेम इसके ऊपर भी मैं सिंगल क्रोशिया ही बनाऊंगी, थ्री रो की बॉर्डर बनाऊंगी। तो इसी तरह से बनाते हुए सिंगल क्रोशिया कंप्लीट करके इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैं थ्री रो पूरी कंप्लीट कर ली हूँ। देखिए इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरी रो में कंप्लीट कर ली हूँ। देखिए नीचे की ओर भी मैं थ्री रो कंप्लीट की हूँ। फोर रो में यहाँ पे बटन लगाने के लिए मैं कर्ज छोड़ूंगी। अगर आप चेन लगाना चाहती हैं तो ये थ्री रो ही आप बॉर्डर रखेंगी तो ज़्यादा अच्छी बनेगी आपका, ज़्यादा चौड़ी बॉर्डर नहीं अच्छी लगेगी। मैं इसमें बटन लगाऊंगी। तो देखिए थ्री रो ये कंप्लीट कर ली हूँ। थ्री रो कंप्लीट करने के बाद फोर रो में देखिए इस तरह से मैं कर्ज छोड़ूंगी। देखिए देखिए इस तरह से वन टू कर्ज में छोड़ रखी हूँ। देखिए इस तरह से थ्री में आपको देखिए किस तरह से कर्ज छोड़ी मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि 12 सिंगल क्रोशिया के दूरी पर मैं कर्ज छोड़ रही हूँ। जैसे कि मैं यहाँ से देखिए 2, 4, 6, 8, 9 सिंगल क्रोशिया में बना ली हूँ। 10, 11, 12 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर थ्री चेन बनाऊंगी। 1, 2, 3 देखिए थ्री चेन इस तरह से बना लूंगी। इसके बाद टू चेन स्किप करूंगी। देखिए इसकी नेक्स्ट वाले 1, 2, 3 चेन में मैं क्रोशिया डालूंगी और इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लूंगी। इसके बाद इसकी नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया, यहाँ से 12 चेन में सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। तो देखिए इस तरह से कज छूट गई है। देखिए इस तरह से कज बन गई है। इसमें आप बटन बहुत ही आसानी से लगा सकती हैं। तो सेम इसी तरह से मैं 12 चेन के दूरी पर मैं इस तरह से कज में छोड़ लूंगी। देखिए इस तरह से यहाँ पे मैं देखिए 12 सिंगल क्रोशिया बना ली हूँ। यहाँ पर थ्री चेन बनाऊंगी, 1, 2, 3। इसके बाद यहाँ पर देखिए 1, 2 चेन छोड़कर थ्री चेन में सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। इसके बाद इसकी नेक्स्ट जो भी चेन बची हुई है सारे चेन में सिंगल क्रोशिया इस तरह से बना लूंगी। देखिए इस तरह से यहाँ कॉर्नर पे मैं 2 सिंगल क्रोशिया इस तरह से बनाऊंगी। यहाँ से घुमाने के लिए यहाँ पे 1 चेन भी आप डाल सकती हैं। मैं फर्स्ट बार में चेन डाली थी, हर रो में भी आप डाल सकती हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छी फिनिशिंग बनेगी। देखिए इस तरह से भी फिनिशिंग अच्छी बन रही है। देखिए कॉर्नर पर अच्छी बनी हुई है। तो इस तरह से मैं कज में देखिए इसमें मैं छोड़ रखी हूँ। तो देखिए कितनी कज बनी हुई है, 1, 2, 3, 4, 5 फाइव कज में इसमें छोड़ी हुई होती है। इसमें 5 बटन इस तरह से लगेगी ए साइड। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए मैं सिंगल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक कंप्लीट करूँगी। वापस दोबारा फिर यहाँ से बनाते वापस मैं इस तरह से यहाँ तक कंप्लीट करूँगी। जैसे कि ये मैं कज छोड़ी हूँ, इसकी नेक्स्ट में 2 रो और मैं बनाऊँगी। जैसे इसमें 2
थ्री कर्व यहाँ पे चैन में बनाई हूँ, तो इसमें टू सिंगल क्रोशिया बना लूँगी। जैसे कि इसके नीचे में टू चैन छोड़ी थी, तो इसमें टू सिंगल क्रोशिया बना लूँगी नेक्स्ट रो में। तो इसी तरह से बनाते हुए इसकी नेक्स्ट टू रो और मैं कंप्लीट करूँगी। ये कर्ज किया गया, क्योंकि जैसे कि आप कपड़े वगैरह में कर्ज बनाती हैं तो देखें बीच में कर्ज हमेशा कट करनी चाहिए, उसी तरह से मैं टू रो और मैं बना लूँगी। इसके बाद में आपको बाजू बनाना मैं बताऊँगी। देखिए एक साइड में बाजू कंप्लीट कर ली हूँ, दूसरी साइड में आपको बनाते हुए दिखाऊँगी किस तरह से बाजू बनेगी। देखिए बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आई है। तो पहले मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, इसके बाद में बाजू और गले बनाना बताऊँगी। देखिए फ्रेंड्स, ये मैं कर्ज छोड़ी थी, इसकी नेक्स्ट टू रो में पूरी कंप्लीट कर ली हूँ सिंगल क्रोशिया बनाते हुए। देखिए इस तरह से बन गई है। अगर आप बड़ी बटन लगाना चाहती हैं तो जैसे कि यहाँ पे मैं तीन चैन बनाकर मैं कर्ज बनाई हूँ, आप वहाँ पे फोर चैन बनाएंगी और यहाँ पर थ्री चैन स्किप करेंगी, थ्री चैन छोड़कर सिंगल क्रोशिया बनाएंगी। इस तरह से कर लेंगे तो आपका कर्ज छोटा बड़ा बन जाएगा इस तरह से। इसके बाद देखिए टू रो कंप्लीट करने के बाद, जैसे कि यहाँ से मैं स्टार्ट की थी, देखिए यहाँ से इधर से बनाते हुए फिर वापस इस तरह से बनाते हुए यहाँ पर लाई हूँ और यहाँ से मैं घुमा ली हूँ, इधर मैं नहीं बनाई हूँ। यहाँ से वापस घुमाते हुए स्लिप स्टिच बनाते हुए मैं यहाँ लाई हूँ। देखिए जैसे कि इसके आगे मैं बता रही हूँ, देखिए इस तरह से चैन में क्रोशिया डालूंगी और इसे स्लिप स्टिच बनाते हुए इस तरह से निकाल लूंगी। देखिए इस तरह से, तो इसी तरह से यहाँ से घुमाते हुए स्लिप स्टिच बनाते हुए मैं यहाँ पर लाई हूँ। देखिए इस तरह से, जैसे कि इसका चैन जो है ऊपर दिखेगी तो अच्छी लगेगी और इसका फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छी आएगी। और ये जो बटन जो कर्ज छोड़ते हैं उसमें वो पट्टी हमेशा थोड़ा सा चौड़ी होती है, जैसे बटन लगाते हैं उससे, तो इसलिए इसकी पट्टी में थोड़ी सी चौड़ी रखी हूँ। देखिए ये वाला पट्टी से पट्टी थोड़ी सी चौड़ी है बॉर्डर। इसके बाद में गले बनाऊंगी। तो गले बनाने के लिए आप चाहें तो कॉलर बना सकती हैं या फिर इसी तरह से सिंगल क्रोशिया बनाकर बॉर्डर बना सकती हैं बिना कॉलर का भी। तो गले बनाने के लिए मैं देखिए यहाँ से ही घुमाते हुए इस साइड में लाऊंगी। यहाँ पे पहले मैं चेन बना लूंगी वन, इसके बाद देखिए इस तरह से स्लिप स्टिच बनाते हुए इस साइड से घुमा लूंगी मैं। देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से स्लिप स्टिच बनाते हुए यहाँ पे मैं घुमा ली हूँ। यहाँ पे मैं वन टू थ्री फोर स्लिप स्टिच बनाई हूँ। तो देखिए इस तरह से बनी है। इसके बाद मैं क्या करूँगी, ये जो है ये पूरे राउंड में सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। जैसे कि यहाँ पे वन चेन बनाऊंगी और सेम इसी जगह पर क्रोशिया डालूंगी, सिंगल क्रोशिया इस तरह से बनाऊंगी। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्रोशिया डालूंगी, सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए इस तरह से, ये जो भी स्पेस जो दिख रही है, जैसे कि वन चेन की दूरी पर इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाते जाऊंगी। देखिए इस तरह से, देखिए फ्रेंड्स इस तरह से सिंगल क्रोशिए सारे चैन में इस तरह से फंदे में उठा लूँगी। जैसे कि डबल क्रोशिए की लंबाई है, देखिए यहाँ पे ये डबल क्रोशिए की लंबाई में मैं टू सिंगल क्रोशिए बनाऊंगी। देखिए एक बीच में और एक यहाँ पे, देखिए इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट करूंगी। देखिए इस तरह से बन गई है। इसके बाद देखिए बैक साइड से ये जो चेन जो दिख रही है सारे चेन में वन सिंगल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट करूंगी। देखिए इस तरह से
वन सिंगल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट करूंगी। देखिए इस तरह से, तो इसी तरह से बनाते हुए मैं यहाँ तक पूरी कंप्लीट कर लूंगी। यहाँ तक ये येलो कलर की जो पैटर्न है यहाँ तक मैं कंप्लीट करूंगी। ये ग्रे वाला जो पैटर्न है इसको मैं छोड़ दूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए मैं कंप्लीट कर ली पूरी राउंड। इसके बाद देखिए लास्ट में यहाँ पे मैं स्लिप स्टिच बनाते हुए इस तरह से ज्वाइंट करूंगी, जिससे कि ये देखिए फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आएगी। इसके बाद यहाँ पर थ्री चेन बना लूंगी। देखिए इस तरह से ये गले इस तरह से बन रही है। आप चाहे तो इसी तरह से दो से तीन रो बना लेंगी तो बॉर्डर इस तरह से भी अच्छी लगेगी, या फिर कलर बनाना चाहती हैं तो आप कलर भी बना सकती हैं। तो कलर बनाने के लिए मैं देखिए इस तरह से घुमा लूंगी यहाँ से, और थ्री चेन बनाने के बाद सेम इसी जगह पे मैं क्रोशिया डालूंगी और इस तरह से डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो देखिए टू डबल क्रोशिया हो गई है, थ्री चेन वन डबल क्रोशिया के बराबर होती है। इसके बाद इसकी नेक्स्ट सारे चेन में इस तरह से डबल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए इसकी नेक्स्ट जो भी चेन है सारे चेन में इस तरह से डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक मैं कंप्लीट करूंगी। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैं सारे चेन में वन डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट कर ली हूँ। लास्ट में देखिए यहाँ पे मैं टू डबल क्रोशिया बनाऊंगी सेम जगह पे। देखिए इस तरह से, देखिए टू डबल क्रोशिया हो गई है। दोनों साइड से वन डबल क्रोशिया में बढ़ाते जाऊंगी हर रो में। इसके बाद देखिए यहाँ से मैं पलट लूंगी और इसके बाद यहाँ पर थ्री चेन बनाऊंगी। थ्री चेन बनाने के बाद देखिए सेम इसी जगह पे मैं क्रोशिया डालूंगी और इस तरह से डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो देखिए इस तरह से वन डबल क्रोशिया बन गई है यहाँ पर। इसके बाद इसकी नेक्स्ट चेन में क्रोशिया डालूंगी और इस तरह से डबल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए इस तरह से इसकी नेक्स्ट सारे चेन में इस तरह से डबल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए इस तरह से बन रही है। ये जो चेन है चेन के नीचे मैं क्रोशिया डाल रही हूँ, आप चेन में भी डालकर बना सकती हैं, पर इस तरह से बनाएंगे तो आपका ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग आएगी। देखिए इस तरह से दोनों साइड से सेम दिखेगी। ये चेन के नीचे क्रोशिया डालकर इस तरह से डबल क्रोशिया बनाते हुए मैं कंप्लीट कर लूँगी। देखिए इस तरह से, तो सेम इसी तरह से दूसरी साइड से भी यहाँ पे भी वन डबल क्रोशिया में बढ़ा लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लास्ट में टू डबल क्रोशिया यहाँ पे मैं बढ़ा ली हूँ। देखिए इस तरह से इसमें टू डबल क्रोशिया मैं बना ली हूँ, तो वन डबल क्रोशिया बढ़ गई है। इसके बाद वापस इस तरह से घुमा लूँगी। इसके बाद वापस घुमाते हुए यहाँ पर थ्री चेन बनाऊंगी। देखिए इस तरह से थ्री चेन बनाने के बाद सेम इसी जगह पर क्रोशिया डालूंगी और इस तरह से डबल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए इसकी नेक्स्ट चेन में क्रोशिया डालूंगी, डबल क्रोशिया में बनाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए थ्री चेन है वन डबल क्रोशिया में बना ली हूँ, तो इस तरह से वन डबल क्रोशिया बढ़ गई है। तो इसी तरह से दोनों साइड से हर रो में वन डबल क्रोशिया बढ़ाते हुए मैं बना लूंगी। तो ये मैं देखिए टू रो में बना ली हूँ, सेम इसी तरह से फाइव रो में कंप्लीट कर लूंगी बनाते हुए दोनों साइड से वन डबल क्रोशिया बढ़ाते हुए। तो मैं फाइव रो इसी तरह से बनाते हुए कंप्लीट करके इसके बाद में आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैं फाइव रो पूरी कंप्लीट कर ली हूँ। देखिए यहाँ से वन टू थ्री फोर फाइव, एक किनारे हर रो में वन डबल क्रोशिया में बढ़ाते गई हूँ। तो देखिए इस तरह से कॉलर शेप बन गई है, बहुत ही सुंदर फिनिशिंग है। देखिए इस तरह से आएगी ये बटन लगेगी। इसके बाद देखिए लास्ट रो में स्लिप स्टिच बनाते हुए फिनिशिंग दूंगी। देखिए यहाँ पे पहले वन चेन बना लूंगी। वन चेन बनाने के बाद देखिए इस तरह से सारे चेन में स्लिप स्टिच बनाते हुए इस तरह से निकाल लूंगी। देखिए इस तरह से,
जैसे कि मैं इसमें बनाई थी स्लिप स्टिच बनाते हुए सेम उसी तरह से। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं स्लिप स्टिच बनाते पूरे राउंड में कंप्लीट कर ली हूँ कॉलर पे। देखिए इस तरह से कॉलर है कंप्लीट हो गई है, देखिए बहुत ही सुंदर लग रही है। इसके बाद भी ये बाजू बनाऊंगी, जैसे कि ये मैं बाजू बनाई हूँ सेम इसी तरह से बाजू में कंप्लीट करूंगी। तो बाजू देखिए किस तरह से मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। बाजू बनाने के लिए मैं पहले देखिए ये जो पिन है यहाँ पे मैं निकाल लूंगी और इसी जगह पे मैं ऊन ज्वाइंट करूंगी। देखिए चेन में मैं क्रोशे डालूंगी और इसी जगह पर ऊन ज्वाइंट कर लूंगी। बहुत ही ईजी है, देखिए किस तरह से बनाती हूँ। इसके बाद देखिए सेम इसी जगह पे मैं क्रोशे डालूंगी और सिंगल क्रोशे बना लूंगी। नेक्स्ट चेन में क्रोशे डालूंगी, सिंगल क्रोशे बनाऊंगी। इसकी नेक्स्ट चेन में क्रोशे डालूंगी, सिंगल क्रोशे बनाऊंगी। देखिए इस तरह से, और ये जो है देखिए डबल क्रोशे की लंबाई है, इसमें मैं टू सिंगल क्रोशे बनाऊंगी। देखिए एक यहाँ पे इस तरह से और एक यहाँ पे, ये डबल क्रोशे की लंबाई में टू सिंगल क्रोशे इस तरह से बना लूंगी। देखिए इस तरह से बन रही है। इसी तरह से पूरी राउंड सिंगल क्रोशे बनाते हुए यहाँ तक कंप्लीट करके ज्वाइंट करूंगी। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से पूरी राउंड सिंगल क्रोशे बनाते हुए कंप्लीट कर ली हूँ। देखिए इस तरह से बन गई है। इसके बाद देखिए यहाँ पे मैं स्लिप स्टिच बनाते हुए इसमें ज्वाइंट कर लूंगी। देखिए इस तरह से बाजू का शेप आएगी। इसके बाद में यहाँ पे मैं वन चेन बनाऊंगी और सेम जगह पे मैं क्रोशे डालूंगी। इस तरह से सिंगल क्रोशे बनाऊंगी, नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशे, इसकी नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशे। देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से बन रही है। इसी तरह से सिंगल क्रोशे बनाते हुए पूरी राउंड में कंप्लीट करूंगी। इसमें पूरी राउंड सिंगल क्रोशे बनाते हुए कंप्लीट करूंगी। जैसे कि मैं देखिए इसमें मैं बनाई हूँ, देखिए इसमें मैं बॉर्डर बनाई हूँ यहाँ से स्टार्टिंग से 1 2 3 4 5 रो में पूरी कंप्लीट की हूँ। तो सेम उसी तरह से इसमें भी मैं 5 रो पूरी कंप्लीट कर लूंगी। 5 रो कंप्लीट करके इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें बाजू में कुछ नहीं करनी है, सिर्फ ये चैन के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाते हुए राउंड राउंड 5 रो कंप्लीट कर लेनी है। तो इस तरह से मैं कंप्लीट करके इसके बाद में आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये जैकेट में मैं बाजू पूरी कंप्लीट कर ली हूँ। देखिए इसमें मैं सिंगल क्रोशिया बनाते हुए 5 रो में पूरी कंप्लीट की हूँ। देखिए इस तरह से दोनों साइड बाजू कंप्लीट हो गई है, ये जैकेट पूरी कंप्लीट हो गई है। तो देखिए ये सिंपल जैकेट है प्लेन, आप इसमें कुछ और डिजाइन भी बनाकर स्टिच कर सकती हैं, जैसे कि यहाँ पर जेब वगैरह भी लगा सकती हैं या कोई भी कार्टून बनाकर इसमें लगा सकती हैं। जैसे कि मैं देखिए ये टेडी बियर में कार्टून बनाई हूँ सेम कलर में, जैसे कि मैं एक जैकेट बनाई हूँ सेम कलर में, ये टेडी बियर में बना कर रखी हूँ, यहाँ पर इस तरह से स्टिच कर दूंगी। देखिए इस तरह से आएगी ये। देखिए फ्रेंड्स, ये मैं जैकेट पूरी कंप्लीट कर ली हूँ। देखिए यहाँ पे मैं बटन लगा ली हूँ, 5 बटन में लगाई। इसमें आप चाहे तो येलो बटन भी लगा सकती हैं। देखिए जैकेट पूरी कंप्लीट हो गई है। ये जो जैकेट है, जैकेट की साइज में 3 से 4 इयर्स के बच्चे के लिए मैं बनाई हूँ। 3 से 4 इयर्स के बच्चे को बहुत ही अच्छी साइज आएगी। और देखिए बैक साइड से भी इसकी लुक बहुत ही सुंदर लग रही है। देखिए सिंपल से प्लेन, फ्रेंड्स आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसान डिजाइन है, आप इसे बहुत ही आसानी से बना सकती हैं।
तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फ्रेंड्स इसी तरह से बहुत सारा मैं जैकेट कार्डिगन कैप वगैरह बनाकर यूट्यूब में अपने चैनल में डाल रखी हूँ, आप ज़रूर देखिएगा, शायद उसमें से कोई भी डिज़ाइन आपको पसंद आ जाए तो मेरे चैनल को एक बार जाकर ज़रूर देखिएगा आप। और फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना चाहती हैं प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं। थैंक यू।